सच धज के नहीं, मैं तो नॉर्मल कपड़ों में ही आई हूँ और मैं अबीर से मिलने आई हूँ यहाँ पे एक पब में, क्योंकि मुझे पता चलता है कि अबीर यहीं कहीं आसपास में है और मेरे पास एक फ़ोन ट्रैकर भी जिससे मैं अबीर को ट्रैक कर सकती हूँ। सो आगे प्लान क्या करने वाले हैं? आगे हम ये प्लान करने वाले हैं कि हम यहाँ पे पता चलता है कि जो सूफी नेट में जो सिंगर आने वाले गाने के लिए वो आने नहीं वाले हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि हम ही गाएंगे, हम ही डांस करेंगे, बिकॉज़ हम ये भी प्लान करते कि हम कुंवर और कुणाल को कि यहाँ पे मीटिंग कराएंगे, उन्हें थोड़ा टाइम भी स्पेंड करने मिलेगा। सो ये हमारा अच्छा, तो श्वेता का क्या सीन है? श्वेता भी इसके बीच में आने वाली है? ये मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, जानने के लिए देखते रहिए। थैंक यू सो मच। और आपके भाई के बीच में तकरार हो चुकी है, झगड़ा हो चुका है, जहाँ इतना प्यार था झगड़ा नज़र आ रहा है, क्या रीज़न है इसके? जी बिल्कुल, जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार होता है वहाँ बहुत सारे इमोशंस होते हैं, पैशन होता है और झगड़े भी होते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दोनों भाई अब चाहते हैं कि दूसरा भाई उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझे, और अबीर प्रोटेक्ट करना चाहता है श्वेता से कुणाल को, और कुणाल प्रोटेक्ट करना चाहता है मिष्टी से अबीर को, और कुणाल बेसिकली कुणाल को कहीं ना कहीं पता है कि श्वेता ये सब ऐसे ही कर रही है, कुछ असली है नहीं, वो फेक है उसका सब प्यार। बट मेन कंसर्न कुणाल का ये है कि अगर मैं अगर कुणाल अबीर की बात मान रहा है तो अबीर कुणाल की बात क्यों नहीं मान सकता। जी जी बिल्कुल, जब फाइट्स होती है तो आई थिंक प्यार की वैल्यू ज़्यादा पता चलती है, और अब जब फाइट हो रही है, क्योंकि ये छोटा कंसर्न नहीं है, काफ़ी बड़ा कंसर्न है कि जिस लड़की के साथ रिश्ता टूटा था उसके साथ दूसरा भाई मतलब जुड़ने को जा रहा है, तो आई थिंक लड़ाई तो चलेगी अभी थोड़े टाइम तक, बट लेट्स होप कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए जल्दी। आई थिंक कि टाइम लगेगा बट समझ जाएंगे, बिकॉज कुणाल काफ़ी सेंसिबल लड़का दिखा है कि वो बात समझ जाता है, अगर भाई भी समझा रहे हैं कि श्वेता सही नहीं है तो वो समझ रहा है, और मीनाक्षी भी अगर कुछ समझाती है तो समझ जाता है, तो आई थिंक इनिशियली कुणाल थोड़ा थोड़ी प्रॉब्लम होगी मिष्टी और अबीर के रिश्ते से, बट इवेंचुअली ही विल बी फाइन। थैंक यू। सपनों को एक बार फिर से तोड़ दिया, कुछ तो पेंटिंग वगैरह सब खराब हो चुकी है। हाँ, हम लोग एक्चुअली यहाँ जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे हमने एनजीओ कैंप सेटअप किया है, लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है कि गांव के बदमाश गुंडों ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अबीर की जो ड्रीम स्कूल है जो वो खोलना चाहते हैं यहाँ पे, वो पूरी ख़राब हो गई है, एंड मुझे पता चलता है कि अबीर बहुत दिल से इस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके इस चीज़ को स्कूल को सुधारूं, पेंट वापस हम नया कर दें, बेंचेस वापस अच्छे से कर दें जब तक बच्चे आते हैं, तो मैं हम सब मिल के मेहनत करते हैं इस चीज़ में। मेहनत के बीच में एक दोस्ती के बीच में डांस और रोमांस चल रहा है दोनों का। हाँ, एक्चुअली अबीर का स्टाइल भी यही है कि वो काम मस्ती करते करते ही काम करते हैं, हंसते खेलते काम करते हैं, सो इसी बीच गाना बज जाता है और हम सब डांस करने लगते हैं, वी स्टार्ट एंजॉयिंग। अच्छा, अभी कितना एंजॉय करने वाली इस डांस को, एंड लास्टली ये पूछना चाहेंगे कि जो भी बच्चे के लिए आप जो भी कर रहे थे उसमें और कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि हर कोई यही चाहता है इस गाँव के लोग कि मतलब जो भी गुंडे हो कि ना हो सपने पूरे। जब हम कोई अच्छा काम करने वाले तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है, तो हम स्कूल को ठीक तो कर देंगे लेकिन हम यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे, वो गुंडे वापस आएंगे और बहुत बड़ा ड्रामा होगा उनके आने से। थैंक यू।
शो के लिए नए फोटो लेके आप फर्स्ट डे का फर्स्ट शो का देखा और काफी अनोखा रहा आपके फोटो. अच्छा नया फोटो लेके हाँ because I was clicking pictures. अच्छा he's referring to. काफी अनोखा रहा. हाँ अनोखा पता नहीं वो मगर अच्छा था. हाँ लोकेशन अच्छी थी, जगह अच्छी थी, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, तो मैं भी अच्छा लग गया शायद. ओके आप बस में आप जा रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेके, काफी अलग रहा मतलब फर्स्ट डे का शो. हाँ इन्होंने एकदम सही बोला कि बैकग्राउंड एवरीथिंग इज गुड, तो इसलिए शायद हम भी अच्छे दिख रहे हैं, मैं अच्छी दिख रही हूँ, ये तो एनीवेज अच्छे दिखते ही हैं. बट हाँ मुझे अपने आप को देख के अच्छा लगा अभी. हाँ मैं रियल लाइफ में भी वैसी हूँ, दैट्स ट्रू. हाँ कभी कभी मैं ऐसे ड्रेसअप करती हूँ, बट यूजुअली या मैं खुद चश्मे पहनती हूँ और बहुत ही कैजुअल कपड़े, एंड या आई एम समवॉट लाइक मिश्टी, आई वुड से दैट. ओके सर फर्स्ट डे जैसे कि प्रोमो बहुत पहले आ चुका है, लोगों को काफी लोग बहुत उत्साह थे इस शो को देखने के लिए. व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू गेट फ्रॉम द योर फैन सोशल मीडिया में? अभी आज तो पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है. अब यू आस्किंग मी फॉर द रिस्पांस फॉर द प्रोमोज, बहुत अमेजिंग रिस्पांस था. एक्चुअली उन्होंने भी मुझे ऐसे कोई किरदार में देखा नहीं है पहले. जितना प्रोमोज में उन्हें दिखा उन्हें काफ़ी एक्साइटिंग लगा, और शो से भी इस जो कॉन्सेप्ट से बहुत सारे लोग शायद रिलेट कर पाएँ, सिटीज़ में नहीं मगर रूरल एरियाज़ में शायद रिलेट कर पाएँ, तो हाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिला. वे फ्रॉम द सिटी वी लव द प्रोमो. प्रोमो बहुत अच्छा है, बादशाह के सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, दैट वीडियो एंड एवरीथिंग, वो चाय चाय सॉन्ग बहुत अच्छा है, एंड द प्रोमो लुक्स अमेजिंग यार. इंशाल्लाह हम ऐसे ही अगले थोड़े थोड़े इंटीग्रेशन करते रहे और ऐसे ही मिलते रहे आप सब. बिल्कुल बिल्कुल. ओके आप दोनों की 800 एपिसोड कंप्लीट हो गए और बहुत ही अच्छी जर्नी रही आप दोनों की, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा 800 लकी नंबर है, तो आई एम ग्लैड 800 एपिसोड है. 18th मेरा लकी नंबर है, मेरा बर्थडे 18th को आता है और आज 18th है. आई थिंक आज लकी डे है, शो नया शो लॉन्च हुआ है आज के दिन, आई थिंक इट्स अ लकी डे. ओके यू आर द बेस्ट जोड़ी इन टेलीविजन, ए लिस्टेड एक्टर आप है और अच्छा आई लाइक दैट, यू लाइक द फ्लिप राइट. अच्छा ओके अब पूछिए अंगूर कहाँ, अब बताइए. हम सर को आई डोंट थिंक कोई टिप दे सकते हैं. कैसे बने मतलब आई थिंक दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और आप देखिए वो तो स्क्रिप्ट बनाई. I think we've already का राज पूछ रहे हैं, guess, है ना? राज क्या? I think we've already seen them for years and they, mashallah, they do amazing job. हमने we've worked together, we yet to shoot, but we've already seen them on television. They're amazing actors and inshallah we just hope के we get entertained यार. हम जब भी अभी बैठ के देखेंगे पूरी फैमिली के साथ, तो हम पूरे एक घंटे ही देखने वाले हैं. Nice. तो जब भी देखेंगे तो we'll obviously see the episode and फिर So as Mohsin said, you guys know what to do now. पूरे एक घंटे देखना है Star Plus. 9:30 to 10:30, right? बिल्कुल. ओके आदि आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा. हाल ही में हमने सोशल मीडिया में आपको उत्तराखंड में देखा, आपको यू आर डूइंग मस्ती, तो थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहिए वहाँ से एक्सपीरियंस. वो मैंने किया ना सोशल मीडिया पे शेयर. मैं अपनी फैमिली के साथ थी, हम लोग मंदिर गए थे, मेरी पूरी फैमिली साथ थी, हैड अ ग्रेट टाइम. ओके आखिर में लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे ये शो पे? ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे, बहुत अच्छा था फर्स्ट एपिसोड, ऐसे ही सारे एपिसोड्स भी अच्छे रहे. थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक. बहुत 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 मज़ेदार एपिसोड होने वाले हैं. ऑलरेडी मिश्टी और कुहू के साथ एक
पूरे सीन्स शूट हो चुके, एक सीक्वेंस शूट हो चुका है जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी. सो नाउ दे मूविंग टू कच एंड दे सीइंग व्हाट हैपेंस इन देयर लाइफ नेक्स्ट. और वो मर्जर एपिसोड होगा जहाँ से वो लोग हमसे मिलकर, हमें मिलाकर किसी तरह कार्तिक और नायरा को फिर आगे बढ़ते हैं और अपनी स्टोरी शुरू होती है. तो दैट इज़ द मर्जर एपिसोड. वन इज़ द 800th एपिसोड ऑफ कायरा. हमारे ऑलमोस्ट 3 साल कम्प्लीट हो जाएंगे और यहाँ से उनका फर्स्ट एपिसोड शुरू हो रहा है. एंड इंशाल्लाह ये दोनों 9:30 to 10:30 स्लॉट ऐसे ही आगे बढ़ता रहे. माशाल्लाह बहुत हमने जब ज्वाइन की थी उससे पहले ही ये रिश्ता क्या कहलाता है वॉज ऑलरेडी एन एपिक शो. वॉज ऑलरेडी हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड. उनके ऑलरेडी 2000 एपिसोड हो चुके थे, 7 साल के ऊपर शूट हो चुका था. तो देवे ऑलरेडी रियली बिग एंड माशाल्लाह वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें उसमें कास्ट हुआ. और दे ऑलरेडी डन लॉट ऑफ बिग शोज एंड इंशाल्लाह उनका ये बैटिंग ऐसी चलती रहे. ओके, ये शो की अलग बात है जहाँ पर एक शो है ये रिश्ता, जहाँ पर माता पिता की बात सुनते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पर ये शो है जो अपने प्यार ढूंढने में खुद वो बिलीव करते. ये शो को कैसा देखते हैं आप? हम लोग भी अपने प्यार ढूंढने पे बिलीव कर रहे थे. कार्तिक और नायरा दोनों घर से भागे होते हैं. तो आई डोंट नो, द वैल्यूज आर द सेम, द प्रिंसिपल्स आर द सेम, इट्स कनेक्टेड टू द इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. तो वो सारी चीज़ें होंगी एंड ऑब्वियसली यू नो द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर गोना स्टे, द प्रिंसिपल्स आर गोना स्टे. एंड इंशाल्लाह जस्ट विशिंग. आई सॉ द फर्स्ट एपिसोड, पहला एपिसोड बहुत 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 प्यारा लग रहा है. बहुत एनर्जी है उसमें, एक अलग एंथुजियाज्म है और वो ऐसे ही इंशाल्लाह आगे बढ़ता रहे. जी वेरी नाइस, इट वॉज लवली एंड इंशाल्लाह द एपिसोड हैव कम आउट वेरी नाइस. हमने वो एपिसोड जो देखे थे वहाँ से स्टोरी जो आगे बढ़ रही है, सो द एंटायर सीक्वेंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जहाँ से वो लोग हमें मिलाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं. सो यू गोना सी इट द मर्जर एपिसोड सून टुडे नाइट. जैसे ही पर्दा उतना बड़ा हो जाएगा. आज हम बड़े पर्दे पर देखने वाले. इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू नो व्हाटएवर कम्स, बट इंशाल्लाह आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन माय स्पेस. और हमारा शो ऐसे ही 10 साल 20 साल 50 साल ऐसे ही करते रहे. ओके मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे शो के ग्लिम्प्स आपने कुछ देखे हैं ये रिश्ता, ये रिश्ते प्यार के? आपने प्रोमोस देखे? प्रोमोस देखे हैं. हां, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है. आप कुछ कह रहे थे बेबी यू हैव योर डेब्यू एज एक्टर. एज एन एक्टर मेरा डेब्यू हो चुका है यूट्यूब पे, मेरा चैनल है उस पर. भाई भी आए साथ में, हमने स्केचेस बनाए. उसके अलावा टीवी इंशाल्लाह होपफुली सून हो जाए. प्राउड से बहुत ज़्यादा, इट्स जस्ट लव एंड अफेक्शन. मतलब बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू सी योर एल्डर ब्रदर डूइंग सच ग्रेट एंड लाइक स्टिल सो हम्बल एंड डूइंग सो गुड. इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, मैं बोल नहीं सकता हूँ कितना अच्छा लगता है. Yeah, I've seen that glimpse. जी ये प्रोमोज, इट्स सेम ट्रेडिशन, इट्स फैमिली थिंग. द थीम लाइन इज लाइक यू नो इट्स अ जॉइंट फैमिली थिंग, इट्स अप्स एंड डाउन्स, इन फैमिली फैमिली रहती है ये हमारे कल्चर के हिसाब से. थैंक यू सो मच. अब तक जो मैंने किरदार निभाए उससे तो काफ़ी अलग है. सो आई डोंट नो, मैं मिष्टी जैसी भी हूँ, सो आई डोंट नो कैसा लगेगा ऑडियंस को. आई एम नर्वस ऑल्सो एट द सेम टाइम. मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे हमने जो वहाँ पे जाके मेहनत की इट वाज टोटली वर्थ इट. जो हमने धूप में भाग दौड़ की, अच्छा लग रहा है ऑन स्क्रीन. तो जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो आपको खुशी होती है. बहुत अच्छा लगा मुझे. मेरा किरदार थोड़ा केयरफ्री है, ज़िंदगी जीने वाला है, अपने असूल हैं उसकी ज़िंदगी जीने के. हमेशा अपनी बात को आगे रखना चाहता है, लोगों को भी इंस्पायर करता है ज़िंदगी जीने के लिए. वो उसका कहना यही है कि छोटी सी ज़िंदगी है, हमें फालतू की स्ट्रेस लेके और किसी को इमिटेट करके या किसी की तरह बन के ज़िंदगी जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए.
बहुत ही अमेजिंग थी. हमें तो लगा ही नहीं कि हमारा फर्स्ट डे ऑफ शूट है. बहुत आसानी से हम लोग जेलअप हो गए और बहुत मस्ती करते हैं हम लोग सेट पे. सबसे ज़्यादा मस्ती तो यही करते हैं शहीर. सो या इट्स फन. अगर स्टोरी सेम ही रहेगी तो फिर उसको डैश में बनाने की ज़रूरत क्या है. अच्छे किरदार उसमें भी हैं, अच्छे किरदार इसमें भी है, अच्छी कहानी है. एंड आई थिंक गुड कास्टिंग इन बोथ द शोज, एप्ट कास्टिंग जैसे बोलते हैं कि करेक्ट कास्टिंग है, अच्छी कहानी है. और आप ऑडियंस बताएं कि क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ है. ये एक्चुअली ऑल द विजन ऑफ द डायरेक्टर एंड और सर एंड यू नो क्रिएटिव्स का विजन है. And मैं तो बस आई एम जस्ट फॉलोइंग वॉट माई डायरेक्टर सेइंग. दिस इज माई डेब्यू एंड आई एम जस्ट ब्लैंक. बस जो डायरेक्टर कह रहे हैं आई एम फॉलोइंग. दैट वर्क्स फॉर द कैरेक्टर आल्सो. आई मीन ब्लैंक. या मेरा किरदार बिल्कुल अलग है पिछले शो से एंड आई एम रियली लविंग इट, लविंग टू प्ले. क्योंकि मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने, रियल लाइफ में भी नहीं पहने. मैं सिर्फ करीबी रिश्तेदारों की शादियों पर ऐसे कपड़े पहनता था. Which is really good and a real big change for me. It's really teaching me a lot about my own life also. So I think बहुत मज़ा आ रहा है character को करने में और देखने में भी. Producer ने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने जो मेरे actors पहन रहे हैं. But you're looking sharp in that. Very neat. एक एक शांतराम photograph खींच लो फटाफट. कम सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, प्यार, ढेर सारा प्यार और सलाम आप सबको. आपके आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होने जा रही हूँ तो थोड़ी नर्वसनेस तो है और बिल्कुल आपकी आशाओं पर खरी उतरूँ ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ. ये रिश्ते हैं प्यार के इसमें एक सशक्त भूमिका है, बहुत अहम भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है मीनाक्षी राजवंश की मेरी. और वो किस तरह से परिवार की मुखिया होने के नाते पूरे परिवार को एक ताने बाने में जोड़ कर रखती है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किरदार की भी और एक कलाकार के रूप में भी. तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ इनका मुझे पता नहीं है. हाँ मतलब बहुत समझा रहा हूँ सुबह से कि देखो भाई कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होने वाली, कोई ऐसी घटना नहीं होने वाली है, तुमने तो पहले भी इतना काम किया है. पर वो उनकी वो फितरत में है तो मैं इसको थोड़ा एक सकारात्मक तौर पर लेता हूँ. घबराहट रहती है मन में, चूँकि हमारे गुरुओं ने कहा था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कि जितनी ज़्यादा घबराहट रहेगी उतना अच्छा काम होगा. और जितनी ज़्यादा घबराहट रहती है तो एनर्जी जो होती है वो कॉन्सोलिडेट होती है, इकट्ठा होती है. तो मुझे बहुत, मैं परिणाम से बहुत आश्वस्त हूँ कि ये लोग एक अच्छा परिणाम देने वाले हैं. और दर्शकों से बहुत आग्रह करूँगा कि आपने जिस तरह से इन्हें पहले स्वीकारा है आगे भी स्वीकार करिए. हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, आप हमारे भगवान स्वरूप हैं. जी बहुत बहुत अंतर है. कोकिला एक इस तरह के परिवार की थी जो ट्रेडिशनल फैमिली की थी और अपने दायरे में रहकर वो परिवार को जोड़कर रखती है. पर कहीं ना कहीं मीनाक्षी राजवंश जो इस सीरियल में मेरा किरदार है वो बहुत ही आधुनिक विचारधारा की है. बातचीत उसकी आधुनिक है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करती है और हंसती है. कोकिला में मुझे लगता है दर्शकों ने बहुत कम मुझे हंसते हुए देखा था. तो बहुत ही नेचुरल एक व्यक्तित्व वाला किरदार है. पर हाँ, जब परिवार की एकता की बात आती या अगर किसी ने गड़बड़ की तो फिर वो अपने असली रूप में आती है. मेरा जो कॉस्ट्यूम है, ज्वेलरी है और जो मेरी एक कैरेक्टर की जो एक हाव भाव है, चलना बोलना फिरना बहुत ही अलग है. और मुझे लगता है कि वो एक सरप्राइज पैकेट है दर्शकों के लिए. इससे उनसे बारंबार ये विनती करती हूँ कि ज़रूर मेरे काम को पसंद करें. बहुत अच्छे हैं मेरे